नमस्कार आदाब, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। इस वक्त हम भारत गेट के एमएससी कार्यालय पर है, जहां पे एमएससीबी फेडरेशन की तरफ से यहां पे आंदोलन किया गया है। उनका कहना है कि यहाँ पे जो एमएससीबी के जो 5 से 6 अधिकारी हैं, उनको यहाँ सस्पेंड किया गया है। जो यहाँ के स्थानीय कार्यकारी अभियंता हुंडेकरी है, उन्होंने उनको सस्पेंड किया है। उनका ये कहना है कि उन्होंने जिस तरीके की वसूली उनको दी गई थी, उस तरीके की वसूली ना करने की वजह से उन्हें सस्पेंड किया गया है। इसी वजह से यहाँ पे जो फेडरेशन के लोगों ने यहाँ पे आंदोलन किया है। क्या है आज पूरा मामला आपका, जो किस लिए आप आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ मुमरा में हमने संगठन ने, एमएससीबी वर्कर्स फेडरेशन और संगठन ने यहाँ के वसूली करने के लिए हमने प्रशासन को 1 महीने का हमारा हमको मंगाया, उसको रोक के दिया। हमने दावे के साथ कह देता यहाँ पे हमको तुम सपोर्ट करो, हम तुमको वसूली करके दिखाएगा। और इसका नतीजा ये है, इस मुमरा डिवीज़न में 19.5 कोटि की जो डिमांड थी, वो इस हालत में हमने 26 कोटि रुपए इस महीने में हमें जमा कर दी। यहाँ पे 311 सेंक्शन पोस्ट है, यहाँ में 107 पोस्ट वैकेंट है, कई दिनों से वैकेंट है। यहाँ का ग्राहक इतना अच्छा है, ग्राहक को हमसे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन ये संभालने के लिए जो इस तरीके से संभालना मांगता है, उस संभालने के लिए वो जो मैनेजमेंट मांगता है, ये मैनेजमेंट किसी के दबाव में आके ये मुमरा को बिगाड़ के लोगों के जिसमें एक वातावरण फैला के यहाँ पे कर्मचारी भ्रष्टाचारी है, यहाँ पे कर्मचारी नालायक है। मेरे को वो कितना वसूली किया वो नहीं पूछता है, मेरे को कितना लोग सस्पेंड किया, कितना लोगों को चार्जशीट दिया, कितना लोगों को 1/3 किया, ऐसा मेरे को पूछता है, ऐसा जवाब ये लोग देता है। वसूली नहीं करने की वजह से सस्पेंड करने की वो बात बोल रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा है कि जो फ्रेंचाइजीकरण के लिए दे रहे थे ये लोग, जिसको दे रहे थे वो 4-4.5 रुपए पर यूनिट दे रहे थे, अभी हमने वसूल किया उसका वसूली 6 रुपए यूनिट हो गया। कितना? यानी हमने 4.5 से लेके 6 यानी 1.5 रुपया पर यूनिट के ऊपर हमने इस बार मुनाफा कर लिया। इसके बावजूद भी हमको ये 6 लोगों का सस्पेंशन ऐसे प्रकार से कर रहे हैं। यहाँ मुमरा में ऐसी परिस्थिति है, हमारा कर्मचारी एक बार घर से आने का टाइम ही गए, उसको टाइम लगा के घड़ी की टाइम लगा के आने का बोलता है, लेकिन जाने के लिए हमको टाइम नहीं पूछने का। हमारी यूनियन लगातार उसके साथ में उनको सपोर्ट दे रही है, और लेकिन तो भी ये अधिकारी मनमय करे। उसने कल रात शाम को पर्चा दे दिया और घर में बैठो तुम लोग, ये क्या मनमानी है। पिछले महीने में एक आदमी तलवार लेके हमारे इसमें आया था सबस्टेशन में, आपने भी देखा रहेगा वीडियो इसमें। हाँ, यहाँ पे 75 FIR केस हो गया, यहाँ पे कोई कोर्ट में स्टैंड नहीं हो रही है, कोई खिलाफ नहीं है, हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, ऐसे ही इसमें हमको सपोर्ट देने के बावजूद ये हमको दबा रहे। कल परसों एक इंजीनियर ने मेरे को फोन किया कि बोले बंसोर साहब, यहाँ पे क्या चल रहा है, हमको ये अधिकारी के हाथ में काम नहीं करने का, ऐसा तड़प से यहाँ पे चालू है, इसके खिलाफ हमने आज आवाज उठाया। अभी तक 26 कोटि का वसूली किया ये महीने में, चाहिए था कितना? चाहिए था 19.5 कोटि रुपए चाहिए था, 26 कोटि रुपए किया। उसके बावजूद हमको टारगेट, एमडी ने हमको 32 कोटि रुपए टारगेट दिया था, किसको? ये कार्यकारी अभियंता को। अगर हमको तुम 19 कोटि की डिमांड होने के बाद में 26 कोटि हम देते, तो हमारा एमडी को कहना है तुमने हमको 32 कोटि दिया है, उसने 26 कोटि किया, उनको पहले सस्पेंड करो। तो ऐसी यहाँ ठिकानी मनमानी चालू है। हमारा ये कहना है कि आज के आज ये सस्पेंशन विड्रॉ होना चाहिए। मेरा चैलेंज है, एक जी सस्पेंशन इसमें सक्सेस होएगा तो बिना बायजात उसको बड़ी किया जाएगा। अगर वो बायजात बड़ी किया जाएगा, जिसने सस्पेंशन किया उसको क्या करेंगे? लगाओ मैराथन मीटिंग, करो उसका फैसला, आज के आज फैसला करो, और जो इसमें गलती है उसको सजा देना चाहिए, ये मेरा भी कहना है। अभी हमारे साथ में जो सस्पेंड किए हुए यहाँ पे जो वर्कर एमएससीबी के, उनसे जानते हैं क्या वजह है कि आपको सस्पेंड किया गया? वजह ये है कि वसूली कम हो गया अपने आपके एरिया में। अगर हम दिन रात मेहनत करते हैं, थोड़े बार कुछ प्रॉब्लम्स आती है, उसी से भी हो सकती है,
टारगेट दिया था कंप्लीट करने का वसूली करने का। एक आदमी क्या करेगा, माझ्या वडील आजारी असल्या कारणाने तर मी पण आजारी होते, कौटुंबिक विवंचनेमुळे मला कामावरती 1-1.5 महिना येता नाही आलं। त्या बाबतीत मी कळलं होतं ब्रह्मांड म्हणजे मोबाईलद्वारे राठोड साहेबांना कळवलं होतं, त्यांनी ते ग्राहक धरलंच नाही, लेखी अर्ज दिला ते पण पुटअप केलं नाही। त्याच्यानंतर एक रजिस्टर पोस्ट केलं मी, ते पण ग्राहक धरलं नाही, म्हणजे हा एकतर्फी त्यांनी ते हे करून टाकलं। 2013 में भी फ्रँचायझीकरण होगा ये हवा फैलाई, टेंडर निकाला हेड ऑफिस ने, पर यहाँ के जो काम कर्मचारी थे उन्होंने सच में रात दिन में एक करके इस कंपनी को वहाँ से भी उठाया, और जहाँ 2012-13 में 4.5 करोड़ का पर मंथ जो कलेक्शन हो रहा था वहाँ से कंपनी के कर्मचारियों ने रात दिन एक करके आज कलेक्शन को 26 करोड़ पे पहुँचाया। जहाँ तक कि मार्च महीने की जो डिमांड थी कलेक्शन की वो थी 16 करोड़ 40 लाख, एक्चुअली हेड ऑफिस ने इनको जो टारगेट दिया था वो था 37 करोड़ का, 26 करोड़ कर्मचारी ने वसूल किए, डिमांड थी 16-40 की। मतलब ये तो खुद साइड पे तो जाएंगे नहीं, टेक्निकल लोगों ने और कर्मचारियों ने और अधिकारियों के मार्गदर्शन के हिसाब से और नेतृत्व में इन लोगों ने कलेक्शन किया। मैं ब्रेन पेशेंट हूँ, 3 महीने पहले मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर भी मैंने मार्च महीने में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, साइड पे जाके कलेक्शन किया। पर उसके बावजूद यदि अच्छा काम करने के बावजूद यह मिलता है तो फिर किस क्यों काम करें। 5,000 के ऊपर का डिस्कनेक्शन का इनको अधिकार नहीं है, एज पर लॉ कंपनी के लॉ के हिसाब से नहीं है। 5,000 के ऊपर से 25,000 तक असिस्टेंट इंजीनियर करता है, 25,000 से लेके 50,000 तक एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर करता है। अभी लॉ में अमेंडमेंट आए 50,000 से 1,00,000 तक की एडिशनल एग्जीक्यूटिव ने करनी चाहिए, 1,00,000 एंड अबव खुद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने जहाँ पे जगह पे जाके देखना चाहिए कि 1,00,000 तक कंज्यूमर का ऐसा कौन सा कंजम्पशन किया, तो उसकी वसूली अगर वो पेड नहीं कर रहा है तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जिम्मेदारी है कि वो अपने संबंधित लाइन स्टाफ को लेके, असिस्टेंट इंजीनियर को लेके, एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लेके वो उसका डिस्कनेक्शन करे। पर ये सभी चीज़ें हमारे लाइन मन ने करनी, और वो नहीं किया तो फिर सस्पेंशन, तो ये तो फिर यही मामला होगा जो आज ये सब देख रहे हैं। इस आंदोलन को देखते हुए शील डायगर इलाके जो स्थानीय पुलिस स्टेशन है उसका यहाँ पे कड़ा बंदोबस्त किया गया था, बिना परमिशन के ये आंदोलन किया गया था, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को, यूनियन के लोगों को शील डायगर पुलिस ने यहाँ पे हिरासत में लिया है। जब हमने यहाँ के कार्यकारी अभियंता हुंडेगरी से बात करने की कोशिश की, उन्होंने हमसे बात करने से साफ तौर से इनकार कर दिया। किस दबाव के, किस वरिष्ठ आला अधिकारी के तहत ये काम किया जा रहा है, ये किसकी दबाव में किया जा रहा है, या इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र नज़र आ रहा है। कैमरामैन हनीफ शेख के साथ हुसैन सुल्तान, प्रहार टाइम्स।